नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के जो कट ऑफ है उसका विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है वो पूरे फैकल्टी को मिला के और पूरा सर्वे करके ये जो कट ऑफ है वो तैयार की गई है। ऐसे वैसे कट ऑफ ये तैयार नहीं की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये कट ऑफ तैयार की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो 2018 वाला रीट का एग्ज़ाम था उसमें सभी लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि बीए के प्रतिशत, दोस्तों जो भी ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें परसेंटेज है वो कम बनते हैं। तो यहाँ क्या है कि जो परसेंटेज है वो कम बनते हैं, जो बीए में परसेंटेज किसी बनते हैं वो बहुत कम प्रतिशत है वो बनते हैं। तो उसमें जो परसेंट है वो कम बनते हैं, पर यहाँ पर 30% वेटेज है। तो यहाँ पर सभी जानते हैं कि कम नंबर बनते हैं। 60-70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 50-55% के बीच नंबर आते हैं, और 10% बच्चे मानता हूँ कि जो 60 से ज़्यादा जाते हैं, तो यह वेटेज है। और दूसरी बात कि जिनके हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिनकी हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है उन्हें यहाँ पर चांस डबल मिलेगा हिंदी और इंग्लिश। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, जिनके इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है उनके कभी प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, लगभग कभी भी उनके प्रैक्टिकल नहीं होते लगभग। और उसमें जो नंबर आते हैं वो कम आते हैं बीए में। तो ये भी बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो इसमें है, और अब जो अपना बिंदु है वो ये है कि 2016 में वैकेंसी नहीं आई थी, उसके कारण 2016 में जो वैकेंसी थी वो नहीं आई थी। तो उसका भी एक बहुत बड़ा ये उसमें क्या है, इसमें अब की बार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। अब अपना बिंदु है जो कि सेकेंड ग्रेड का है। तो उसमें क्या है, सेकेंड ग्रेड में जो स्टूडेंट पास हुए हैं और उन्हीं की केवल अभी पोस्टिंग है वो अभी बाकी है। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान कट ऑफ में यही बिंदु अपने है वो इसमें काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान कट ऑफ का पूरा विश्लेषण है जो कि है TSP की कितनी सीट है और नॉन TSP की कितनी सीट है। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल सीट जो है वो आप देख सकते हो, ये है अपनी 3250 सीट है कुल सीट, और ये डिवाइड की है जो TSP में है वो 331 है, और BCS के लिए 18 है, और नॉन TSP में 2800। इसमें बहुत सारी सीटें आपको मिल रही है, और इसमें 100 प्लस है वो विशेष सीट है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपकी यह वो जो सीटें हैं वो है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या आप कट ऑफ की, तो अब कट ऑफ मैं आपको दिखा दे। तो दोस्तों, अब कट ऑफ में बता देता हूँ, यही रही कट ऑफ आपको सामने। यहाँ जनरल के 71% जाने के पूरे चांस है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 30-70 के अनुपात, यानी कि ये 30:70 के अनुपात का जो परसेंट निकालना पड़ता है वो उस प्रकार ये दिया हुआ है। इसमें OBC की है जो 69% है, और SC की है जो इसमें 67% रहेगी, और ST की 65% रहेगी। और अब OBC की बात करें तो इसमें 69.7% रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आपकी कट ऑफ तैयार की गई है। तो आपके ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों, आप मान के चलिए। हो सकता है किसी स्टूडेंट के रीट में अच्छे परसेंट हो पर उनके बी में कम परसेंट हो, इससे एक प्लस माइनस जरूर हो सकता है। जैसे जनरल की उधर उसमें एक प्लस माइनस जरूर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। या प्लस होगा या माइनस एक परसेंट होगा, लेकिन आपकी जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले दोस्तों, आप यकीन मानिए। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।